नमस्कार, देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हो जाने के बाद अब राष्ट्रीय राजनीति का फोकस महाराष्ट्र पर शिफ्ट हो रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा राष्ट्र प्रदेश है, वहां से 48 लोकसभा की सीटें आती हैं, महाराष्ट्र आर्थिक रूप से भी काफ़ी तरक्की वाला राज्य रहा है, वहाँ वो फाइनेंशियल कैपिटल है, और जाहिर है कि राष्ट्रीय राजनीति की एक धुरी महाराष्ट्र में भी रहती है, और पिछले कुछ अरसे से वहाँ की राजनीति कुछ ज़्यादा ही गर्म है। तो जाहिर है कि महाराष्ट्र पर काबिज होने का जो संघर्ष है वो बहुत तीक्ष्ण होगा, बड़ा तीखा होगा, और हरियाणा से ज़्यादा तीखा होगा। और उसमें चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, महाविकास अघाड़ी हो या महायुति हो, एनडीए हो, ये पूरी जोर शोर से अपनी ताकत आजमाइश करेंगे। अब देखिए कि ये हरियाणा के चुनाव नतीजे आए ही नहीं हैं कि उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंच गए। उन्होंने वहां 7,500 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का शुभारम्भ कर दिया है, उनको शुरुआत कर दी है, और एक तीखा हमला कांग्रेस पर बोला है, उसे विभाजनकारी और देश विरोधी शक्तियों से मेल जोल रखने वाला, इस तरह से उन्होंने उस पर अटैक किया, जो कि वो उनकी आदत भी है, उनके संस्कार भी हैं, उन्हें इसी ढंग से संघ से शिक्षित भी किया गया है, और उसमें वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा वगैरह का बहुत ध्यान नहीं रखते हैं, तो उन्होंने उस अंदाज में अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ असल बात यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लगातार पिछले 6-8 महीने से वहाँ पर राष्ट्रीय नेताओं का आना जाना, अपने अपने जो गठबंधन हैं उनको संजोना, संभालना, उनके बीच में एक तालमेल कायम करने की कोशिश लगातार चल रही है। तो राहुल गांधी अभी 15-20 दिन पहले राहुल गांधी गए थे, और वहाँ उन्होंने एक दलित के घर में खाना बनाया, खाया, उसके बाद एक रैली को भी संबोधित किया था जिसमें शिवाजी की मूर्ति को लेकर उन जो ध्वस्त हो गई थी भ्रष्टाचार की वजह से, लापरवाही की वजह से, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने खुद किया था, उसको मुद्दा बनाया था। तो वहाँ पर लगातार ऐसे मुद्दे बन भी रहे हैं, और अब पूरी तरह से दोनों गठबंधन, दोनों पार्टियाँ, या कहना चाहिए कि तीन उधर की पार्टियां दोनों अपनी पूरी ताकत महाराष्ट्र में झोंकने वाली हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हरियाणा में जीत से जो आत्मविश्वास मिला है भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो उनके महाराष्ट्र के दौरे में दिखा भी, क्या वो इतना प्रभावशाली हो सकता है कि महाराष्ट्र की जो ज़मीनी हालात है उसको बदल दे। जो हमने लोकसभा चुनाव में देखा था जिसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को बहुत कम सीटें मिली थी, 48 में से केवल 18 सीटें मिली थी, और 13 सीटें महाविकास अघाड़ी के घटक ले गए थे, क्या उस परिस्थिति को वो बदल पाएंगे? ये जो आत्मविश्वास है, क्या उन चीज़ों को बदल सकेगा? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी महाराष्ट्र को लेकर बहुत चिंतित है, और महाराष्ट्र में वो चाहता है कि किसी तरह से जो सरकार उनकी बनी हुई है वो रिपीट हो, वो हारे ना, सत्ता से बाहर ना हो, और जो दूसरा गठबंधन है वो सत्ता में ना आने पाए। क्योंकि महाराष्ट्र को बीजेपी का गढ़ भी है एक हिस्से में, आरएसएस का तो हेडक्वार्टर ही नागपुर में है, इस लिहाज से वो भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। तो आरएसएस बहुत पहले सक्रिय हो गया है बीजेपी को बचाने के लिए, बीजेपी के नेता बार बार वहाँ जा रहे हैं, अमित शाह बार बार महायुति के घटकों की बैठक ले चुके हैं, उनके बीच तालमेल करने की कोशिश कर चुके हैं, और ये भी कहा जाता है कि एक फार्मूला बन गया है 150-80-50 का, जिसमें 150 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 80 सीटों पर शिंदे की शिवसेना लड़ेगी, और बाकी 50 सीटों पर अजित पवार की। इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर इस फार्मूले पर काम हो रहा है। अब सवाल उठता है कि जो लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा था महायुति का, एनडीए का, वो बहुत ख़राब रहा था, उसके लिहाज से उसके
के पास अब बहुत कम गुंजाइश है सत्ता में वापसी की, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 48 में से 30 सीटें उसने खो दी थी, जबकि उसके पास पहले 41 या 42 सीटें थी केवल शिवसेना और उसको मिलाकर, बीजेपी को मिलाकर, और बाद में बिखराव हुआ तो उसमें चीज़ें बदल गईं। लेकिन क्या ये जो तीन घटक हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि जो सीटें उनको मिलेंगी वो जीत पाने में सक्षम होंगे? सबसे कमज़ोर कड़ी अजीत पवार हैं। अजीत पवार बेशक 40-50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट बहुत बहुत ख़राब रहा था, और किसी को भी नहीं लग रहा है कि उनका स्ट्राइक रेट 20-25% से अधिक होगा। वो कुछ उम्मीदवार सीटें भले निकाल लें, लेकिन बहुत ज़्यादा सीटें वो नहीं जीत पाएंगे। तो अजीत पवार से बहुत उम्मीदें निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और शाह नहीं कर रहे होंगे। फिर आते हैं शिंदे। शिंदे की सेना ने अच्छा प्रदर्शन किया था, बल्कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की उससे बेहतर प्रदर्शन किया था, उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बड़ा फर्क होगा। विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे की शिवसेना भारी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में लोगों को पता रहता है कि शिवसेना तो केंद्र में सरकार बनाने नहीं जा रही है, और उनको और मोदी का भी आकर्षण एक हद तक काम किया है, हुआ उसने करता भी है। तो ये इसकी वजह से जो शिंदे सेना के को सीटें मिली थी उसका उसने उसमें उसमें बहुत सारी सीटों पर जीत हासिल की थी, 9 सीटें उसने जीत ली थी। तो इस लिहाज से शिंदे सेना का उसमें जो प्रदर्शन था, अब अच्छा प्रदर्शन होगा इसमें बहुत कम संभावना है, क्योंकि सारे इश्यूज जो हैं वो शिंदे सेना के खिलाफ जाते हैं। एक तो जो मराठी भावना है, मराठी जो मानसिकता है मराठी मानुष की, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ है, और शिंदे सेना को एक गद्दार के तौर पर चिन्हित किया जा चुका है। तो ये गद्दारों की सेना और वो मराठी मानुष की सेना, ये फ़र्क वहाँ स्थापित हो चुका है। फिर दूसरी बात यह है कि गुजराती बनाम महाराष्ट्रियन, ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है वहाँ पर, और इसका असर निश्चित रूप से, इसका नुकसान बीजेपी को तो होगा ही, उसके जो दूसरे घटक हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी में दो गुजराती हावी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वही सारी चीज़ें कर रहे हैं, महाराष्ट्र के बहुत सारे प्रोजेक्ट उठाकर गुजरात ले गए हैं, उसको लेकर भारी रिएक्शन है, और जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति को उन्होंने तोड़ा फोड़ा है, उसकी वजह से भी एक गहरी नाराज़गी है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरह की चीज़ें पहले नहीं देखी गई, अगर हुई भी हैं तो छोटे मोटे स्तर पर, इस पैमाने पर नहीं हुई कि पूरी राजनीति को ही तहस नहस कर दिया जाए। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो सेंटीमेंट से जुड़े हैं मराठी मानुष की, और उसका असर पड़ना लाजमी है। फिर और भी ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, चाहे मराठा आरक्षण का मुद्दा हो, उन सब में बीजेपी फंसी हुई है, और उसके पास कोई एक ऐसा रास्ता नहीं है जिससे ऐसा लगे कि वो इन समस्याओं से निकलकर एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि हरियाणा में भले ही बीजेपी की जीत हुई हो, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी का अपना कोई योगदान रहा है ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ उन्होंने जो रैलियाँ की उसमें ना भीड़ आई, ना वैसा रिस्पॉन्स आया, और इस बार अगर जाट बनाम गैर जाट हो गया हो, उसकी वजह से, गोलबंदी से बीजेपी सत्ता में आ गई हो तो और बात है, लेकिन मोदी की वजह से, मोदी के कारण मतदाताओं ने वोट नहीं दिया है, ये तकरीबन तय है। महाराष्ट्र में भी वैसा ही होगा। तो महाराष्ट्र में अगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये दोनों तो बाहर के नेता हैं, गुजराती नेता हैं, और स्थानीय स्तर पर बीजेपी का एक नेता देवेंद्र फडणवीस है, और उनकी छवि बुरी तरह ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वो दिल्ली के एजेंट के तौर पर, गुजरात लाबी के एजेंट के तौर पर देखे गए हैं, इसलिए उनकी छवि ख़राब हो चुकी है। तोड़फोड़ राजनीति में वो प्रमुख सूत्रधार रहे हैं, इसलिए भी उनकी छवि ख़राब हो चुकी है। नितिन गडकरी एक और कद्दावर नेता हैं वहाँ पर, लेकिन आप हम सब जानते हैं कि नितिन गडकरी को
मोदी शाह ने बर्फ से लगा रखा है। उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका महाराष्ट्र चुनाव में होगी ऐसा नहीं लगता है। तो महाराष्ट्र में नेतृत्व के स्तर पर बीजेपी के पास कोई ऐसा फेस नहीं है जो एक क्रेडिबल हो, जिसे लोग देखकर वोट डाल सकें। एकनाथ शिंदे को एक महाराष्ट्र के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है वो मुख्यमंत्री हैं लेकिन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अजित पवार की जो छवि है, चाहे वो करप्शन की वजह से हो, चाहे अपनी पार्टी और अपने चाचा को के साथ दगाबाजी करने को लेकर हो, उस सब की वजह से ख़राब हो चुकी है। तो ये चेहरा ख़राब है। और अगर इसके बरक्स आप दूसरी तरफ देखें तो उद्धव ठाकरे का एक बड़ा चेहरा है विकास अघाड़ी के पास। शरद पवार एक बड़े सूत्रधार हैं, चाणक्य हैं, महाविकास अघाड़ी को एक साथ एकजुट रख कर और रणनीति बनाने के मामले में। और कांग्रेस के पास कोई बड़ा चमकता चेहरा निश्चित रूप से नहीं है, तो वो इस तरह का क्लेम भी नहीं कर सकती है। नाना पटोले वगैरह की कोई बहुत हैसियत नहीं है, इसलिए उनको अलग किया जा सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे एक बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र में, और उनके मुकाबले का कोई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। देवेंद्र फडणवीस हैं लेकिन वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, अपनी साख गंवा चुके हैं। ऐसी सूरत में हरियाणा की जीत को के बाद ये मान लेना कि महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ हो जाएगा, ये एक तरह की खुशफहमी होगी मोदी जी की, शाह की, बीजेपी की, संघ परिवार की। हाँ, ये और बात है कि जोड़ तोड़, ईवीएम का खेल, पैसे का खेल, अभी ईडी भी सक्रिय हो जाएगी, सीबीआई भी चली जाएगी, इन सब के खेल की वजह से वो इस चीज़ों को थोड़ा सा अपने पक्ष में घुमाने की कोशिश करेंगे। और ये इसमें वो महारत भी हासिल है, वो हरियाणा में भी ये कर चुके हैं और दूसरे राज्यों में भी कर चुके हैं। लेकिन सारी चीज़ों का दारोमदार बीजेपी का इस बात पर रहेगा कि वो किस तरह की गोलबंदी करती है। जैसे हरियाणा में तो ठीक है, गैर बनाम माफ़ कीजिएगा जाट बनाम गैर जाट कर दिया, उससे उसका एक वो बन गया। लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह के समीकरण बनाना बड़ा मुश्किल होगा। उसने कोशिश की है कि ओबीसी में अपनी एक पैठ बनाने की, लेकिन अब ओबीसी वोट बैंक भी उसका बिखर गया है, उससे छिटक गया है, क्योंकि ये जो दूसरे इश्यूज आ गए हैं और जिस तरह से ये तीन घटक हैं जिनका अपना अपना इलाका है, अपना अपना प्रभाव क्षेत्र है, और तीनों मिलकर एक बड़ा वोट बैंक बना देते हैं। अगर इन तीनों के बीच वोट ट्रांसफ़र हुआ, इसके वोट इसमें, उसके वोट इसमें, तो फिर जो प्रेडिक्शन पहले आ चुके हैं, ओपिनियन पोल आ चुके हैं, उनके हिसाब से भी महाविकास अघाड़ी आगे चल रहा है, बहुत आगे चल रहा है, और उसके मुकाबले महायुति बहुत पीछे है। तो प्रधानमंत्री मोदी अगर ये सोच रहे हैं कि हरियाणा की जीत का फ़ायदा महाराष्ट्र में मिलेगा, तो ये उनकी खुशफहमी हो सकती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होने वाला है। उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका हो सकता है कि थोड़ा मनोबल बढ़ जाए, लेकिन जैसे जैसे मोमेंटम बनेगा इलेक्शन की घोषणा के बाद, कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट के बाद, चुनाव प्रचार के बाद, तो हरियाणा की जीत पीछे रह जाएगी और महाराष्ट्र के मुद्दे हावी होने लगेंगे। वहाँ की जो नरेटिव्स हैं स्थानीय स्तर के, वो ज़्यादा काम करेंगे, बजाय इसके प्रधानमंत्री के कि कांग्रेस को वो विभाजनकारी बता रहे हैं या देशद्रोही बता रहे हैं, इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक दूसरा नरेटिव बना चुका है, जिसमें आरक्षण का भी है, संविधान का भी, संविधान बचाने का भी है, और किसानों का भी है, महिलाओं का भी है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हैं, महाविकास अघाड़ी के पक्ष में जाती हैं, और ऐसा कोई बड़ा इशू इस तरफ नहीं है, महायुति के पास नहीं। ठीक है, महिला बहनों के लिए जो उन्होंने स्कीम लाई है उसका असर हो सकता है, कि जिस तरह से लाडली बहना योजना है उसमें महिलाओं को जो पैसे मिल रहे हैं उससे हो सकता है कुछ असर पड़े, लेकिन कितना असर पड़ेगा कहना मुश्किल है। और अगर असर नहीं पड़ा तो इसके अलावा उनके पास कोई है नहीं। और जिस तरह से मोदी शाह की छवि ख़राब हो चुकी है, उसका भी
जितना मोदी प्रचार करेंगे और जितना वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे वहाँ उठाने की कोशिश करेंगे, उतना ही बीजेपी को नुकसान होगा। जितने स्थानीय स्तर पर इंडिया गठबंधन काम करेगा, राष्ट्रीय मुद्दों से बचेगा, स्थानीय नेतृत्व को महत्व देने की कोशिश करेगा, देगा, तो इससे उसको तोड़ पाना मोदी जी के लिए बड़ा मुश्किल होगा, उनकी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल अभी तो शुरुआत है कैंपेन की, आगे देखें और क्या क्या इशू इमर्ज करते हैं। इंडिया गठबंधन के जो घटक हैं वो आपस में सीटों का एडजस्टमेंट कैसे कर लेते हैं, महायुति में किस तरह से होता है, ये तमाम चीज़ें भी निर्भर करेंगी। और अंत में जो चुनाव की घोषणा के बाद जो माहौल बनेगा उससे भी बहुत कुछ तय होगा। लेकिन अभी एडवांटेज तो महा विकास अघाड़ी को है, इसमें कोई सहमत नहीं। और इसको भी मान के चलना चाहिए कि हरियाणा की जीत हरियाणा की जीत है, उसको महाराष्ट्र पर थोप कर कुछ हवा बनाने की कोशिश की जाएगी तो शायद वो असर नहीं करेगी। धन्यवाद आपका, नमस्कार।